Hey guys, आज हम जो क्लास 8 का चैप्टर 7 मतलब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी उसका वर्कशीट 3 करेंगे स्टार्ट। तो उससे पहले तुम लोगों के साथ कुछ शेयर करना है हमें, और आइडेंटिटी 3 जो है मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है आइडेंटिटी 3, इसको भी एक्सप्लेन करना है। ओके, सो वेलकम बैक टू माई चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। सो लेट्स बिगिन। So this is our identity 3, that a plus b into a minus b equals to a square minus b square. So हम इससे कैसे याद रखेंगे, उससे पहले हमें कुछ बात एक्सप्लेन करना है तुम लोगों के साथ। देखो, मैं जो देखता हूं ना, हमेशा बच्चों को एक जगह पे प्रॉब्लम होता है कि a square plus b square एक फॉर्मूला है और a square minus b square, इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है उन लोगों को, बहुत बहुत कंफ्यूजन रहता है। वो लोग क्या करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये फॉर्मूला लिख देता है। तो गाइस बी केयरफुल, फिर से कह रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बाद में आएंगे, इसको भी इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आज का जो टॉपिक है वो है वर्कशीट 3 का, मतलब वर्कशीट 3 का आइडेंटिटी 3 के ऊपर, मतलब आइडेंटिटी 3 का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए इसके बारे में आज एक्सप्लेन करेंगे, कोई और दिन इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक बात याद रखना, ए स्क्वायर प्लस, अगर बीच में प्लस होगा, दोनों स्क्वायर नंबर का सम तुम्हें फाइंड आउट करना है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में, तो उसका दो फॉर्मूला आता है, उसको कैसे याद रखोगे, क्या करना है, सब बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो क्या करना है, जो दो नंबर होगा उनको पहले एड करके लिखना है, फिर उनको माइनस करके लिखना और इन दोनों को इनटू कर देना है। ओके, अब इसको याद कैसे रखोगे, उससे पहले क्यों ये इसका जो है ना, मतलब मैंने लिखा ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी वाई, तो चलो उसको पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद कैसे याद रखेंगे वो भी हम जानेंगे। तो चलो फर्स्ट ए प्लस बी एंड इनटू ए माइनस बी, क्यों कलर चेंज करते हो हमेशा, तुम लोगों को समझने में थोड़ा तुम लोग थोड़ा बेहतर समझोगे ये मुझे लगता है, तो इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करता हूं। जैसे कि देखो यहां पे हमें क्या करना है, क्लास 7 में तुम लोग जो करके आए हो कि ए के साथ जो पूरा एक्सप्रेशन है यहां पे, ये बाइनोमियल ए माइनस बी, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो तुम्हें समझाने के लिए मैंने क्या किया कि ये जो ए है वो ब्लैक में ही लिखेंगे, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, सो ए माइनस बी। ओके, अब इन दोनों के बीच में साइन क्या है बताओ, प्लस, कौन सी कलर में, ब्लैक में, तो प्लस लिखो यहां पे। अब बी है, बी के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर से, मतलब बी को ब्लैक में ही लिखना है, ब्रैकेट ए माइनस बी, दैट मीन्स तुम लोगों का क्लियर हो रहा है ना, विजुअलाइज करो चीज को। देखो दो बाइनोमियल है, एक ए प्लस बी और एक ए माइनस बी, तो फर्स्ट में जो है ए ब्लैक कलर में वो, देन सेकेंड बाइनोमियल का पूरा लिखना है हमें, फिर इनके बीच में जो साइन है उसको लिखने के बाद बी, फिर ये बाइनोमियल पूरा, ये सब तुम 7 में करके आए हो। तो चलो फिर क्या है, मोनोमियल एंड बाइनोमियल इजीली मल्टीप्लाई करो, ए के साथ ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर। ओके, फिर यहां पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी क्या होगा, ए बी। ओके, अब प्लस साइन मतलब अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, और नहीं तो कर सकते हो बी इंटू ए, बी ए प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। ओके गाइस, आप बताओ ए बी इक्वल्स टू बी ए है या नहीं, डेफिनेटली, क्यों, एक एग्जांपल लेके तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। देखो 5 इंटू 6 क्या है, 30, एंड 6 इंटू 5 क्या है, ये भी तो 30 है। तो तुम अगर मल्टीप्लाई करना है तुम्हें कोई भी दो नंबर को, अगर उसका प्लेस चेंज कर दो, या क्या उससे ज्यादा भी कर सकते हो, अगर उसका प्लेस चेंज भी किया जाएगा फिर भी वैल्यू सेम रहेगा, है ना। तो ए बी, बी ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी ए के जगह पे हम लिख सकते हैं अगेन ए बी, ओके, माइनस बी स्क्वायर। अब देखो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, है ना, तुम लोगों को पता है लाइक टर्म साइन उनका जो है चेंज है, तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब गाइस कैसे हम इसको याद रखेंगे, हमारा जो आइडेंटिटी है
देखो जब हम तुम लोगों को ना इसके बारे में बताएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में, तुम लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। बस याद रखना ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जो नंबर है, मतलब जो आइडेंटिटी है, वो फैक्टराइज का आइडेंटिटी है। हमें कभी भी फैक्टराइज करना है कोई नंबर का किसी भी, मतलब फैक्टराइज तुम लोगों को पता है प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो एक ही फॉर्मूला है क्लास 8 में, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो ए प्लस बी होल स्क्वायर से एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर से आता है, तो ये जो है ना वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो याद रखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसका फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन का। मतलब जब भी तुम्हें फैक्टराइजेशन करना है, कोई भी नंबर का फैक्टराइज फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे। क्यों फैक्टराइज, मतलब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, दो जो नंबर है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दोनों का प्रोडक्ट है, देखो बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो है फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। जब भी तुम्हें कोई नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब फैक्टराइज करना है कोई नंबर को, कोई एक्सप्रेशन को, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 8 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो फिर वर्कशीट 3 स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग आइडेंटिटी 3। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन गिवन, दैट इज 2x + 7y इनटू 2x - 7y। बहुत ही इजी है गाइस, नाउ बताओ क्या होगा, फाइंड द प्रोडक्ट्स। हमें इसको ना वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है जो 7 में सीख के आए हैं, क्या कि इसके साथ इस फर्स्ट नंबर के साथ, फर्स्ट टर्म के साथ ये बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस क्लिक के 7 टर्म के साथ इस बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, ये सब नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, बस हमें देखना है कि देखो सेम जैसा नंबर है 2x 2x, और यहां पे 7y 7y है ना, और उसके एक बार प्लस है और एक बार माइनस, तो देख के हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये जो है वो आइडेंटिटी 3 है। तो बस ये हमारे लिए a है, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस, अब बताओ 7y का होल स्क्वायर, बहुत ही इजी है। अब 2x का होल स्क्वायर मतलब पूरा जो नंबर है 2x² + 7y² गाइस, ये स्टेप तुम स्किप कर सकते हो, ओके डायरेक्टली तुम लिख सकते हो 4x² + 49y² डायरेक्टली, अगर तुम करना चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो इस स्टेप के बाद ये स्टेप, ओके। तो चलो नाउ ये तो वन नंबर हो गया, अब टू नंबर जो है वो है 5ab - 8c। टू नंबर 5ab - 8c इंटू 5ab + 8c मैनेज कर लेना, अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है ठीक से। तो चलो, तो फिर से देखो 5ab 5ab 8c 8c, मतलब एक माइनस में एक प्लस में। हाँ एक बात और कहना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू a² - b² नो, और यू कैन राइट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ऑल्सो a² - b². क्यों, देखो प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है मैथमेटिकली हम कहे तो। तो मतलब ये a प्लस बी, मतलब दिस टर्म इंटू दिस टर्म कैन बी रिटन एज ऑपोजिट, मीन्स दे कैन चेंज देयर प्लेस, ओके दे कैन इंटरचेंज देयर प्लेस। सो a माइनस बी पहले लिखा फिर a प्लस बी तो होगा, और सिंपल वर्ड में अगर हम कहे बताओ 5 × 6 क्या है 30, और 6 × 5 वो भी 30, तो प्लेस चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज होगा, नहीं ना, तो ये भी वही कंसेप्ट में तुम अप्लाई कर सकते हो। तो चलो अब बताओ ये क्या है, डायरेक्टली करें, दिस इज ए स्क्वायर माइनस सेकेंड वन जो 8c² तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, आई थिंक आ रहा है। अब बताओ ये क्या होगा, टोटल तीनों नंबर का स्क्वायर लिखना है, ऐसा नहीं कि 5a² b² है ना गाइज, 5 का भी स्क्वायर लिखना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 5ab² ये टोटल 5ab² ब्रैकेट मीनिंग हमें तीनों ही नंबर का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर 25a² b² माइनस, यहां पे दो नंबर का होल स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64c², दैट्स इट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है जो क्वेश्चन नंबर 3 है 4p² + q²
इंटू फोर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आप बोलो फिर से एकदम, ये जो वर्क एक्सरसाइज है ना तुम लोग खुद ही कर पाओगे, बहुत ही इजी है। बस ये है ए और दैट वन बी, सेम ए बी, सो ए प्लस बी दैट इज ए माइनस बी प्रोडक्ट। तो क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नो चलो एक बार इस तीनों मेथड में कर रहा हूं, जो इजी लगे वो फॉलो करो। चलो तो a फॉर आस, फॉर आस a फॉर इज व्हाट, फोर पी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना। देखो e मतलब क्या है, फोर पी का स्क्वायर। अब यहां पे स्क्वायर लिखोगे तो इस साइड में और एक स्क्वायर देना है ना, बी केयरफुल। तो फोर पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर उसका स्क्वायर। ऐसा नहीं कि क्यू स्क्वायर लिख के छोड़ देना है, हमें सोचना है कि यहां पे b क्या है, b जो है q स्क्वायर इटसेल्फ का स्क्वायर नंबर b। तो अगर b का स्क्वायर लिखना है तो इसका भी स्क्वायर देना है, समझ में आ रहा है। तो अब बताओ 4 का स्क्वायर क्या है, 16। p का स्क्वायर मतलब टू द पावर 4, e टू द पावर सॉरी x टू द पावर m होल टू द पावर n, याद है ना, x टू द पावर mn प्रोडक्ट करना है। और q का भी 2 2 4, q टू द पावर 4। सो ये आंसर हो गया हम लोगों का। अब हमें करना है चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा सम है, तुम लोग कर पाओगे शायद। x by 3 minus y by 2 again into x by 3 minus sorry plus y by 2। अब बताओ फिर से दो नंबर का एडिशन है एंड फिर से वही दो नंबर का सब्ट्रैक्शन, डायरेक्ट कर दे। चलो तो x minus 3 whole square y by 2, sorry again I said wrong, x by 3 or x upon 3 whole square minus y upon 2 whole square। So यहाँ पे भी फिर से ना p by q whole square can be written as p square q square। मतलब एक चीज तुम लोगों को याद आ रहा है ना कि 7 में हम लोग जो जो करके आए हैं उसका application यहाँ पे काम आ रहा है। तो हर एक क्लास में जो मैथ्स का पोर्शन है ना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब जुड़े हुए एक, एक के साथ एक लिंक है। तो ठीक से करना हर एक क्लास में, तुम्हें बेसिक जो फंडामेंटल जो नॉलेज है जो थिंग मतलब कंसेप्ट है उसको ठीक से समझना है। ओके तो चलो फिर x का स्क्वायर है x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4, दिस इज द आंसर ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 कैन बी रिटन एज 0.1m माइनस 0.2n, नो या राइट 0.1m माइनस 0.2n अगेन 0.1m प्लस 0.2n, दैट्स इट। हाँ चलो तो करो एकदम, ये है a दैट वन b, a b तो है क्या a प्लस b एंड a माइनस b ना, देखो आ गया। तो क्या करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बहुत ही इजी है, शायद हमें सब सम नहीं कराना चाहिए था, तो चलो फिर कर दिए। और क्या तो ये क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर ए फॉर व्हाट 0.1m उसका होल स्क्वायर होगा माइनस 0.2n उसका भी होल स्क्वायर होगा। अब 0.1 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन ये जो डेसिमल प्लेस है 1 के बदले में डबल हो जाएगा 2, तो 0.01m का स्क्वायर तो m स्क्वायर ही होता है माइनस। अब 2 का स्क्वायर क्या है, 4, ओके नाउ डेसिमल प्लेस क्या है 1, उसका डबल करोगे तो 2, तो 0.404 आएगा, क्योंकि गाइस हमें डेसिमल प्लेस क्या बनाना है 2, फिर माइनस n स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो चलो अब एक ही सम बाकी है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इजी सम है ये भी, एकदम सेम जैसा सेम टू सेम सम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 का 6 a क्यूब, हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू a क्यूब माइनस b क्यूब। अब हमें बताओ कि ये भी देखो सेम नंबर, एक जो है वो है a क्यूब और एक b क्यूब, दो ही अननोन नंबर है, दो ही वेरिएबल है। यहां पे भी देखो सेम, तो एक का पॉजिटिव मतलब जो एक का साम दिया गया है और एक का सब्ट्रैक्शन, तो बस करो। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारे लिए क्या है a क्यूब इटसेल्फ, तो a का स्क्वायर, तो इसका क्या बनाना है बताओ, स्क्वायर बनाओ, तो दैट है ना माइनस। अब b क्या है, b मतलब हम लोगों के लिए वो है b क्यूब, तो उसका स्क्वायर बताओ, दैट्स
सो नाउ a टू द पावर m n, सो 3 टू द 6, a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6, समझ में आ गया गाइस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 3। अच्छा गाइस एक बात कहना है, एक मिनट रुक जाओ, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको पहले पढ़ता हूं, क्यों उसके रीजन भी बताता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़ लेता हूं, पहले सुन लो। सिंपलीफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय एक्सप्रेसिंग दिस एज अ डिफरेंट ऑफ टू स्क्वायर। मतलब एक बार देखो जो फर्स्ट है, सोचो कि 107 इंटू 93, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था। तो हमें ये जो दो नंबर का प्रोडक्ट में ये नंबर है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसको दो नंबर का जो मतलब इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में लिखना है। आप बताओ यहाँ पे ए एंड बी जो है ना, दो ही अनलाइक टर्म है, इसलिए उसको प्लस नहीं कर सकते हो और इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हो। उसका आंसर मतलब ए एंड बी दो अननोन मतलब अनलाइक क्वांटिटी है और अनलाइक वेरिएबल, सो अगर तुम उसको ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी ही होगा। सिमिलरली ए एंड बी का सब्ट्रैक्शन करोगे तो अनलाइक वेरिएबल, सो ए माइनस बी इज द आंसर। तो यहां पे तुम्हें कैसे पता चलेगा, अगर तुम ए और बी, इसमें ए और बी छुपा हुआ है, क्या ए प्लस बी छुपा हुआ है और इसमें ए माइनस बी। देखो और अच्छे से थ्री में हम जब थ्री कराएंगे टू के बाद एक्सप्लेन करेंगे। बस हमें एक बात कहना है कि अगर तुम्हें लगे कि टू नंबर भी तुम लोगों को आ जाएगा, वीडियोस को स्किप करके निकल मत जाना, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रिक बताने वाले हैं हम, तो वो ट्रिक को एक बार देख लो। ओके, तो अगर तुम्हें लगे कि क्वेश्चन नंबर टू जो है वो तुम लोगों को आ जाएगा, उसको फॉरवर्ड कर दो उस जगह को, ठीक है ना, फिर थ्री में आ जाओ। तो बट बस इस जगह को मिस मत करना गाइस, ये मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों को। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर टू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर टू में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 81 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन 81 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। अब बताओ क्या फॉर्मूला होगा, हमें 81 का भी स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना है और 19 का भी फाइंड आउट नहीं करना है, बस हमें आइडेंटिटी 3 जो है वो यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग के लिए ए क्या है 81 और बी क्या है 19, समझ में आ रहा है ना। ए जो है 81, बी जो है 19, विजुलाइज करो चीज को, तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो चलो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताओ ए मतलब क्या है, 81 प्लस 19 इंटू 81 माइनस 19। आप इन लोगों का ऐड करो, देखो ये तो जो है ना वो एकदम सिंपली 100 आएगा, तो यहां पे 100 लिखो इंटू, अब इसको माइनस करो तो 6200 इज द आंसर। ओके, तो फिर नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर टू, दैट 290 दिस इज ए फॉर अस एंड दैट इज बी फॉर अस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अगेन तुम लोग देख सकते हो। तो क्या होगा, 290 प्लस 210 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब एक बार इन दोनों को प्लस करना है और एक बार इन दोनों को माइनस करना है, तो बस 290 माइनस 210, तो ये जो आएगा ये आएगा 500 इंटू 80। बस आप बताओ 40, देन हाउ मेनी जीरो, 30, 40,000 इज द आंसर। बस बहुत इजी है। अब फोर नंबर देखो, 176 एंड 24, ए फॉर अस 176 एंड बी फॉर 24। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वही यूज करना है, बस ए प्लस बी ए माइनस बी है, इतना सब कुछ नहीं भी लिख सकते हो तुम लोग, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे 176 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, अब बताओ इनको ऐड करना है, 176 प्लस 176 माइनस 24 इक्वल्स टू, दैट कैन बी रिटन एज 200 इंटू 152, दैट मींस 4304 देन 20, सो 30,400 इज द आंसर। ओके, नाउ कौन सा वाला करें, 5-6 नंबर करें। चलो 5 नंबर बहुत ही इजी है गाइस, देखो 5 एंड 3 तुम लोगों के लिए 3 तुम लोगों के लिए होम टास्क है, करके हमें कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर क्या आया। और तुम लोग ना
लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, प्लीज, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर कुछ अच्छा लगा वो भी बताओ, अगर अच्छा नहीं लगा वो भी बताओ, तो वो हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो। सो अब जो है हम लोग का जो है 445 square minus 445 that square also. सो व्हाट टू डू, बहुत ही इजी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हम लोग के लिए ए क्या है 545, बी क्या है 445। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया है तुम लोगों को, क्योंकि एक ही चीज हम बार 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 रिपीट कर रहे हैं, तो जरूरत नहीं है कि हमेशा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया कि तुम लोग वीडियो देखते नहीं हो लास्ट तक। तो चलो फिर अब ए क्या है 545 plus 445, अब बी 545 minus 445, अब इसको ऐड करोगे तो 990 आएगा और इसमें तो 100 आ गया। बस अब तो बहुत ही इजी हो गया कैलकुलेशन, 990 और 20 एक्स्ट्रा आएगा, ओके ना। सो 99,000 इज द आंसर। तो चलो अब फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ट्रिक भी हम तुम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। एक बार तुम लोगों को वो ट्रिक अगर पता चल गया ना, बस तुम लोग ये जो सामने 3 नंबर बस ऐसे ही कर दोगे। तो चलो फिर देखते हैं। तो चलो फिर ये सम जो है इसको हम सॉल्व करेंगे वो ट्रिक को यूज करके करते हुए। तो आइडेंटिटी 3 क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो है 107 इंटू 93 है ना। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर कोई दो वेरिएबल को तुम ऐड करोगे और उसी दो वेरिएबल को तुम माइनस करोगे, तो ऐड जिसको करोगे तो उसका वैल्यू बिगर होना चाहिए। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पे a प्लस बी जो है वो है 107, एक कोई वैल्यू नहीं है a प्लस बी, और a माइनस बी जो है वो है 93। जो छोटा वैल्यू होगा वो a माइनस बी होगा और जो बिगर वैल्यू वो a प्लस बी होगा। दिक्कत जो है ये जो है ना, देखो जो आइडेंटिटी में है वो है क्या, a प्लस बी एंड a माइनस बी, मतलब दोनों ही एल्जेब्रिक नंबर है। अब एक बात बताओ, अगर ये एल्जेब्रिक नंबर हो गया तो एंड दोनों ही अनलाइक टर्म है तो तुम उसको ऐड नहीं कर पाओगे, मतलब a प्लस बी का अगर ऐड करोगे और उसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो वही आंसर है। लेकिन अगर बताओ 60 माइनस 5 करे तो क्या होगा, वो 55 होगा ना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। तो दिक्कत यहाँ पे होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं है तो 107 में ए क्या है और बी क्या है। तब अगर तुम लोगों को पता है, सोचो कि इसमें तुम्हें अगर पता चल जाए कि ए जो है वो है 100 एंड बी जो है 7, सपोज जैसे कि यहाँ पे भी देखो 100 माइनस 7 करोगे तो क्या होगा, 93 आ रहा है, और यहाँ पे 100 प्लस 7 करोगे तो 107 आ रहा है ना। अब बताओ हम लोगों के लिए ए जो है वो है 100 एंड बी जो है वो है 7, तो a प्लस बी, और यहां पे 100 है a एंड 7 है b, तो a माइनस बी, तभी तुम कर पाओगे ना दिस फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। अगर तुम्हें a b पता ही नहीं है तुम कैसे अप्लाई करोगे। तो यहां पे देखो फिर क्या होगा, 100 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, बस इसी फॉर्मेट में तुम्हें लिखना है। तो हमें a एंड b को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे बताओ, यही क्वेश्चन है। तो ट्रिक जो है देखो, इसी साम को हम एक्सप्लेन करेंगे। हम लोगों के पास थे क्या 107 इंटू 93, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर दो, सो दैट इज 4 एंड 1 14 देन 0 1 कैरेट देन 0 सो 14। तो 107 से अगर 93 को तुम माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 14। तो क्या करना है, फिर से जो दो नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, कोई भी दो नंबर, बिगर माइनस स्मॉलर, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा तुम्हें। फिर से देखो, जो दो नंबर होगा उसको तुम्हें क्या करना है, माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड करना है, तो तुम्हें क्या मिल गया 7। तो अब तुम्हारा जो फर्स्ट नंबर था यहां पे 107 था, इस यहां पे 7 माइनस कर दो, बिगर नंबर से 7 को माइनस कर दो और स्मॉलर नंबर से 7 को ऐड कर दो, जैसे भी करो तुम्हें मिल जाएगा। और ये जो 7 है ना, ये है b, मतलब फिर से देखो, अगर तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें b मिल जाएगा। तो अब हमें a फाइंड आउट करना है, मतलब बिगर से माइनस कर दो तो 100 मिलेगा, और यह नहीं तो,
स्मॉलर से ऐड कर दो तो भी चलेगा, तो भी 100 मिलेगा। तो ये बहुत इजी, अगर कोई वीक है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा गाइडेंस देना पड़ता है ना, और जो अच्छा है उसको कम गाइडेंस से भी चलता है, मतलब ये वैल्यू बिगर है तो इसको कम देने से भी चलेगा, मतलब माइनस कर दो, और ये स्मॉलर वैल्यू है तो इसको ऐड कर दो, बस बैलेंस करने के लिए। तो तुम्हें क्या मिल गया? ए मिल गया। समझ में आ गया? तो बस ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं। तो ये तो हम डायरेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सप्लेन कर चुका मैंने। तो 100 प्लस 7, 100 माइनस 7, दैट इज 100 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय एक्सप्रेसिंग दीज एज ए डिफरेंट ऑफ टू स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर नंबर है नहीं, 100 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर नंबर है तो उसका डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना? बस तो यही आंसर है। चलो अब 2 नंबर करते हैं। तो फिर से क्या करना है? 211 और 189 बस माइनस कर दो तो क्या होगा? 22 आएगा। 22 को 2 से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिलेगा? 11। तो फर्स्ट जो नंबर है उससे 11 को माइनस करो तो 200 होगा, और B तो हम लोगों के पास है ही 11, बस 200 माइनस 11, देखो आएगा 189 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ए स्क्वायर क्या होगा? 200 स्क्वायर, अब बी स्क्वायर 100 स्क्वायर। बहुत ही इजी है। 3 नंबर हम नहीं करने वाले हैं, तुम लोग कर पाओगे। 195 एंड 205, देखो 205 एंड 195, अगर तुम इसको माइनस करोगे तो तुम्हें 10 मिलेगा। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5, बस ये तुम्हारा बी है। और उतना मत सोचो कि 205 से माइनस कर दो, मतलब 200 होगा प्लस 5, 200 माइनस 5, बस कर दो 200 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। बहुत इजी है, हम नहीं करने वाले। ये एकदम सेम टू सेम कौन सा वाला? 2 नंबर जैसा, रोमन नंबर 2। तो चलो अब हम करने वाले हैं 4 को। 4 भी एकदम सेम जैसा ही है, चलो करते हैं फिर। 308 इंटू 292, क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करो ना। 308 292 61, दैट मीन्स 16, बस डिवाइड बाय 2, 8 आ गया। तो इसके साथ 8 माइनस करोगे तो क्या होगा? 300 प्लस 8, 300 माइनस 8। ओके, बस आंसर 300 स्क्वायर 8 स्क्वायर, डन हो गया। अब जो है वो है डेसिमल नंबर। ये थोड़ा अच्छा है लेकिन प्रोसेस कोई चेंज नहीं होने वाला है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। 12.4 × 11.6, तो क्या करना है हमें? 12.4 करो एंड 11.6 माइनस करो ना, तो 8 14, 1 कैरेट द 20, तो 0.8, तो 0.8 है, तो इसको क्या करना है? फिर से 2 से डिवाइड करो तो 0.4 आएगा, है ना? तो 0.4 जो है वो डिफरेंस करना है। कहां से? इससे 12.4 से अगर 0.4 को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? 12.0, मतलब 12 आएगा। तो बस 12 प्लस 0.4 इनटू, बस और सोचना नहीं है, 12 माइनस 0.4, बस एक अगर ये मिल गया तो इसको माइनस करके लिख दो, बस हो गया। तो 12 स्क्वायर माइनस 0.4 जो है उसका स्क्वायर, बस यही आंसर है। अच्छा चलो और एक साम है वो भी कर देते हैं। 30.9 × 29.1, बताओ 30.9 के साथ 29.1 माइनस करो, 8 आएगा, कोई कैरेट नहीं है तो 1 आएगा, 1.8, अब कैरेट हो गया 1 तो 0, तो 1.8 बाई 2 करोगे तो 0.9 आएगा। ओके, तो 0.9 इज द नंबर दैट इज बी, और यू कैन से हमें इसके साथ इसको माइनस करना है, तो बस 30 आ जाएगा प्लस ये वैल्यू 0.9, फिर से 30 माइनस 0.9, और कुछ सोचने नहीं है, अगर ये मिल गया तो ये भी बस ऑटोमेटिकली सेम होगा, बस साइन चेंज होना है। 30 का स्क्वायर माइनस 0.9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो गाइस, आई होप तुम्हें ये ट्रिक जो है अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताओ ना, और जो लोग मेरे चैनल में अभी तक भी नहीं हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात कहना है कि आज अब से मैं
क्लास 7 एक दिन अपलोड करूंगा, उसके बाद एक दिन क्लास 8, क्योंकि देखो मैं पिछले साल क्लास 7 का क्लास टीचर था, तो मेरा बहुत सारा स्टूडेंट जो है वह भी 8 में पढ़ता है। मुझे पता है क्लास 8 में मेरे चैनल में कम ही बच्चे हैं, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे उन लोगों के लिए करना है क्योंकि वो सब मेरे बहुत ही क्लोज था, बहुत ही फेवरेट था सभी, तो उसके लिए हमें 8 करना है, क्योंकि वो लोग बहुत बार हमें रिक्वेस्ट कर चुका है और मुझे पर्सनली मैसेज भी किया है, सर प्लीज 8 का वीडियो बनाइए, तो बस उन लोगों के लिए। तो गाइस मुझे सपोर्ट करते रहना, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।